प्रभदातो दातार पर्यो जाचक इक सरना मिले दान संतुरेन जेह लग भोजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलो चराग अंधार में सब कल उधरी इक नाम धर्म प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुरु पार ब्रह्म। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मानवता दे बगीचे विच एक ऐसा फुल ने जिस नाल सारा बगीचा शिंगारिया होया है, सारे बगीचे दी रौनक बन गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद बारे जन्म साखी च इंज लिखे है, सम्मद 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस, बिकमनी सम्मत 1526। उस दौर दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया। बहुत ही तपश तो बाद जैसे सावण दे बदल बरसदे ने, जद पापां दी तपश वध जाए तो फिर अकाल पुरख रहमत दे घर विच आके ज्ञान दी वर्षा करदा है, शांति दी वर्षा करदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन उस दौर विच इस देश दे अंदर होया है जद सारे दा सारा देश सियासी तल ते गुलामी दी जंजीरां दे जकड़िया होया सी, आर्थिक तल ते बिल्कुल कंगाल, धार्मिक तल ते बिल्कुल पखंडी और समाजिक तल ते बिल्कुल कल ते कलेश दी जिंदगी बतीत कर रहा सी। हर पक्षों मनुख जकड़े होया, पकड़े होया, बजे होया। समय दे गुजरन दे नाल ए जंजीरां बोझ बन दियां गईयां और इन्हां ही जंजीरां तो बोझल होके जीवां ने फरियाद कीती, जिस दा दृश्य धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज खिंचदे ने, कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए, कलेश नाल पृथ्वी भर गई उसने जोदड़ी की थी, जकड़े होए पकड़े होए गिरफ्त होए मनुख लई इक्को ही रस्ता रह जांदा है, जोदड़ी प्रार्थना, और वो अपने आप नूं दया दा पात्र समझदा है ते मेरे ते दया कीती जाए, इस तरह उसके अंदरों जोदड़ी निकलती है। कदी कदी समुची कौम गिरफ्त विच आ जांदी है तो उत्थे कौमी पद्धर ते जोदड़ी आउंदी है, अरदास आउंदी है, प्रार्थना आउंदी है, पर कदी कदी ऐसा होंदा है कि सारा देश बंधना दे च पै जांदा है, बंधन दे च पै होए समूह देशवासी फरियाद करदे ने, जोदड़ी करदे ने, तरले लैंदे ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा लिखदे ने, कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए। संत कवि तुलसी दा भी ऐसा कहना है, जब जब होए धर्म की हानि बहड़े असुर अभन अभिमानी, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निद सज्जन पीरा। बहड़े असुर अधम अभिमानी, जद दैंत वध जान, असुर वध जान, अधम मत दे लोकी वध जान, बाणे असुर अधम अभिमानी,
तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। उदो ही अकाल पुरख अपनिया दैवी शक्तियां किसे काया दे अंदर पा के जगत दा कल्याण करदा है, जीवां दा उदार करदा है। दसम ग्रंथ दे च भी ऐसे वाक मिलदे ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब देहे धरत अवतारा। जद अरिष्ट पने नाल अनर्थ नाल सारी सृष्टि भर जाए, उदों अवतारां दा आगमन होंदा है और होंदा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद दी दौर समय समुच्चे दा समुच्चा देश सियासी तल ते गुलाम सी, आर्थिक तल ते कंगाल सी, समाजिक तल ते कल कलेश दी जिंदगी जी रहा सी, और धार्मिक तौर ते सिर्फ पखंड तो इलावा होर कुछ भी रह नहीं गया सी। इस तरह दा जकड़िया होया पकड़िया होया मनुख उदे सामने इक्को ही रस्ता रह जांदा है, जोदड़ी फरियाद तरले। तो देशवासियों ने तरले लै जोदड़ी कीती, फरियाद कीती उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों जिसका जिक्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी च करदे ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए, सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवे सहज सुभाए, इंद्रे नू फरमाया उठा छह बरलाए। तप्पी हुई धरती नू वेख के अकाल पुरख ने इंद्र नू हुक्म कीता, बदला नू हुक्म कीता बरसो, इंद्रे नू फरमाया बरसो कृपा दार। गुरु नू बदल नाल तशबीह दित्ती है, प्रभु सागर है, गुरु बदल है। बदल सागर तो उत्पन्न होंदे ने, गुरु अवतार प्रभु तो आउंदे ने। सागर जब थां थां ते बरसना चाहुंदा है बदल बनदा है, नारायण जब नरां दा उधार करना चाहुंदा है तो वह शब्द बनदा है, गुरु बनदा है। तदी ते भट्ट कहिंदे ने आप नारायण कला आधार जग में परवरियो। उस नारायण ने ही कला आधार के एकाया धारण कीती है जगत दे कल्याण हित, जगत दे उधार हित। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरीके नाल जगत जीवन दा उधार करन लई संमद 1526 विच राय भोयें दी तलवंडी हुण नाम ननकाणा और अस्थान मुलक पाकिस्तान उत्थे आप दा आगमन होया। जन्म साखी देच ऐसे बोल लिखे ने, संमद 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस, कार्तिक रुत सरद पूरन मासी, शुभ मुहूर्त शुभ लगन प्रगासी, अर्ध रैन बीती घट का पर, नानक जन्म लियो कालू घर। कत्तक दी पूर्णमाशी 1526 बिक्रमी संमत नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा राय भौएं दी तलवंडी रिच माता तृप्ता जी दे कुखों पिता कल्याण दास जी दे घर आगमन होया, जन्म होया। सब तो पहले इस बालक दे दीदार तुलसादाई ने कीते, हैरान होई चकत होई। आज तक जितने बालक जगत दिच आए रोंदे ही आए, ये पहला बालक है हसदा होया आया है, मुस्कुरांदा होया आया है। दरअसल जो रोंदे हुए आउंदे ने तो मिल जांदा है उन्हां तो इशारा, रोणगे
रुलाणगे, पर कदी कदाई जो हसदे हुए आउंदे ने, मुस्कुरांदे हुए आउंदे ने, वो फिर जगत विच मुस्कुराहटां वंडदे ने, रोणियां नूं हासियां विच बदलदे ने, गमां नूं खुशियां विच बदलदे ने, बर्बादियां नूं आबादियां दे जो है बदलदे ने, नेस्तो नाबूद इलाके नूं तामीरी रुचियां विच बदलदे ने। हसते हुए मुस्कुरांदे हुए इस बालक दी छवि वेख के तुलसां ते निहाल होई, गद गद होई। इतिहास देच इस दाई दा नाम भी अमर हो गया, क्योंकि उसने एक ऐसे बालक दे दर्शन कीते जो वास्तविक अमृतमई सी, अमृत दा कुंड सी, जगत नूं अमृत देण लई आया, जगत नूं सुकून देण लई आया। और सुते सिद्ध ए दाई जो अक्सर बच्चियां नूं खिडांदी रही और बच्चियां दे जन्म समय मदद करदी रही, अज इस दे बालक दे अगों हथ जुड़ गए ने। अज ते निढाल होईए और निहाल भी होईए, निढाल होईए प्रार्थना करन लई। कहिंदे ने जद अध्यात्मक शक्ति अपने पूर्ण जोगन देच उजागर होवे, अगला झुक जांदा है, झुक गई है तुलसा। और इसनूं कुछ दैवी सकून अपने अंदर महसूस होया, इसने बाहर आके दसिया भी, ऐसा बालक में देखे है, हैरान होके मैं आखांगी इते चन वर्गा, इते सूरज वर्गा, इते जगत दे हनेरे नूं दूर करन लई आया है। ठीक लिखे है भाई गुरदास जी ने, जद अरदास जगत दे जीवां ने अकाल पुरख ने सुनी, जगत दे जीवां दी फरियाद जोदड़ी नूं उस प्रभु ने सुनिया, सुनी अरदास दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया। फिर गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नूं जगत दिच भेजे। अद्धी रात जद बितीत हो गई, अमृत वेला आरंभ होण लगा, एक अमृतमई मूर्ति दा आगमन तृप्ता जी ने कुखों होया। अर्द रैन बीती घट कावर, नानक जन्म लियो कालू घर। प्रात भई प्रोहत बुलवाया, हरी दयाल ते नाम सुहाया। बेदी परंपरा दे मुताबक और देश दी प्राचीन संस्कृति दे मुताबक प्रोहत जी नूं बुलाया गया। हर दयाल प्रोहत बड़े सील सुभा दा सी, रब्बी पहवाला सी, और इलमे नजूम देच ज्योतिष विद्या देच भी माहिर सी। आके बालक नूं देखे, गोद दिच जो है लिया, और आमद दा समा पिता कल्याण दास ते दाई तो पुछे है। सारी जानकारी लैन तो बाद प्रोहत जी शुभ बचन अलाया, ए बालक रायन सिर राया। ए बच्चा ते कोई बादशाहां दा बादशाह आया है, कोई दैवी संपदा दे नाल माला माल, अध्यात्मक गुणां दा खजाना लेके आया है। इते कोई रब्बी महक लेके आया है, इते कोई रब्बी नूर लेके आया है। ए बालक रायन सिर राया, ए बालक जोगन सिर जोगी, ए बालक है परम वियोगी। इते जोगियां दा कोई सिरमौर जोगी है, इते बादशाहां दा कोई सिरमौर बादशाह है। ए बालं नाथन सिर नाथ, इस बालक की अगम अगाथ। छत्रपति होए तिसके दास, ए बालक शुभ गुण की रास। ए बालक ते शुभ गुणा दी खान है, जगत दे छत्रपति, जगत दे सिरमौर मनुख,
जो इलम दे सिरमौर होणगे, धन दे सिरमौर होणगे, सता दे सिरमौर होणगे, इन्हां दे सिर इस बालक दे कदमां ते झुकदे रहणगे। वो इस बालक दी परिक्रमा करणगे, वो इस बालक दे अगों हथ जोड़ के खड़े आउणगे। हरिदयाल दी ए भविष्यवाणी, हरिदयाल दे ए बोल दरअसल उस आन वाली घटना दा खाका खिचदे सन जो बिल्कुल सही उतरिया, जिसका चित्र बिल्कुल सही बनया। बालपना तृप्ता जी दी गोद च बतीत होया, तुलसा लाई दी गोद च बतीत होया, और राय भोयन दी तलवंडी दी एक छोटी जी हवेली पिता कल्याण दास दी उदे वेड़े च बतीत होया। पर इस तरह दा नूर कदी वेड़े च रह सकदा है, कदी कमरे दे च रह सकदा है। पैरां ने चलना सिखिया, गुणा ने वधना सिखिया, हत्थां ने हिलना सिखिया, रब्बी महक ने उछलना सिखिया। आप घर तो बाहर की आए, मानो जगत विच नूर आ गया, सुकून आ गया, शांति आ गई। छोटे छोटे बच्चों का संग, अक्सर बच्चे बच्चों विच खेडते ने, छीना झपदी आउंदी है, लड़दे ने, लड़ांदे ने बच्चों की दुनिया। पर यह तो कोई अजीबो गरीब बच्चा आया है, खेडन विच रुचि नहीं, खिडाण विच रुचि नहीं, जपण विच जो रुचि है, नाम जपाण विच रुचि है। दूरदृष्टि ऐसी कि मासूम बच्चों की सुभावक फितरत ते खेडण दी आउंदी है। इन्हां दी खेड दे उत्ते बंदगी दी मोहर लाई है। गुरुद्वारा बाल लीला साहब करके ननकाणा साहब दे मौजूद है। गुरु नानक दी आमद करके राय भोएं दी तलवंडी दा नाम ननकाणा साहब पै गया। उंज पूरा लफ्ज है नानक आणा, जिस धरती ने नानक नू लियांदा। राय भोएं दी तलवंडी ने नानक नू लियांदा, नानक नू बुलाया, नानक आणा। तो इंज प्रचलित शब्द हो गया ननकाणा। बच्चियां च खेडदे ने, खिडांदे ने, पर बोलदे की ने? सतनाम, सतनाम, सतनाम। जपदे ने, जपांदे ने। इस ढंग नाल खेडना कि खेड बंदगी बन जाए, इस ढंग नाल खेडना कि खेड इबादत बन जाए। खेड नू इबादत बनाया तदी ते खेडन वाली दांत है। इतना शानदार गुरुद्वारा बनया जिथे हमेशा सत्संग होंदे रहे। लोगी बालक गुरु नानक दी छवियां तो, उस बाल लीला तो, उस प्रभु दी लीला दा ज्ञान लेंदे रहे, ईश्वरी सिद्धांतां नू समझण दी कोशिश करदे रहे। बचपन ऐसी खेडां विच बतीत होया जो वास्तविक खेड नहीं सी, बंदगी सी। जो वास्तविक खेड नहीं सी, इबादत सी। कदम थोड़े होर वधे और हाथ थोड़े होर उमड़े, निगाहां जरा होर दूर गईयां, तो पिता कालू जी दी सोचनी बालक नू पढ़ने पाई है। आपने मौलवी दे कोल पाया गुरु नानक देव जी महाराज नू फारसी पढ़न लई। फारसी दी जिहड़ी मुहारनी है ओ अलफ तो आरंभ होंदी है। ते जद मौलवी ने तख्ती ते अलफ लिखिया ते गुरु नानक नू आखिया अलफ, ते गुरु नानक बोल पै मौलवी जी अलफ दे मैनी। ये पहला ही बच्चा सी और इस तरह का पहला सवाल मौलवी दे सामने जिसने अलफ दा मैना पूछिया होवे। पहली दफा मौलवी नू भी पता चलिया कि मैने ते मैं भी नहीं जानदा जद के मैं पढ़ा रहा।
कहन लगा, नानक जी अलफ दे कोई मैने नहीं। अलफ बेमैनी है? हां बेमैनी है। ये दो चार अल्फाज जद जुड़दे ने और पूरा अल्फाज जद बनदा है उस दे ते कोई मैने नहीं होंदे ने। अलफ दे कोई मैने नहीं, नहीं। तो एकदम नानक जी खड़े हो गए, मौलवी जी फिर बेमैनी अलफ मैं नहीं पढ़ना। मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने पंडित पास बिठाया भी चलो इत्थे प्रचलित भाषा उदी मुहार नहीं सीखे। उस जमाने जो प्रचलित भाषा सी नाम उसदे अनेका सन, अज उसनू गुरमुखी आख्या जांदा है, पंजाबी आख्या जांदा है। पांदे ने ऊड़ा ऐड़ा लिखे है और नानक नू पढ़ाना आरंभ कीता है और आख्या नानक जी पढ़ो ऊड़ा। इत्थे भी सतगुरु दा ओही प्रश्न, पांधा जी ऊड़े दे अर्थ पहले अर्थ दसो फिर मैं पढ़ा फिर मैं समझा फिर मैं लिखा। इत्थे भी प्रोहत जी ने ओही कुछ आख्या जो पहले मौलवी ने आख्या। नानक जी ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, दो चार शब्द जद जुड़दे ने ते पूर्ण जद शब्द बनदा है उस दे ते अर्थ होंदे ने। इस एक शब्द दे अर्थ नहीं ने, इस एक अल्फाज दे अर्थ नहीं ने। तो ऊड़ा बेअर्थ है? हां बेअर्थ है। तो बेअर्थ ऊड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ऐड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ईड़ी मैं नहीं पढ़नी। खड़े हो गए, हैरान है प्रोहत, हैरान है ए पांदा, अजीबो गरीब बच्चा है, एक एक अल्फाज दे अर्थ पुछदा है। गरजदी हुई आवाज दे जद पांदे ने आख्या बालक थोड़े पिता ने मेरे कुल थानू भेजे है पढ़न लई, ना के तर्क करन लई, ना के पढ़ान लई। तुसी पढ़ो। नानक जी कहन लगे मैं कदों इनकार कीता है पढ़न तो, मैं ते पढ़ना चाहना, मैनू दसो ऊड़े दे अर्थ अगर हैगे ने ते मैं पढ़ा, ते जे अर्थ ही नहीं ते मैं क्यों पढ़ा। कल्ले ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले ऐड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले सस्से दे कोई अर्थ नहीं। नानक जी कहन लगे पांदा जी इत्थों गल स्पष्ट हो गई, अर्थ थानू आउंदे नहीं, वरना हर अखर दे अर्थ ने। बेअर्थ कोई अखर नहीं, ते हर अखर किसे दिशा दी तरफ संकेत करता है, कोई इशारा करता है, और उस अखर तो चंगे इशारे लए जा सकते ने, माड़े लए जा सकते ने। की अर्थ ने? उत्थे बैठ के जो गुरु नानक ने इस मुहारनी दे अर्थ लिखे, इन्हां अखरां दे अर्थ लिखे, उसका नाम पट्टी पै गया। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, आसा महला पहला पट्टी लिखी। बालक गुरु नानक ने अज तख्ती लिखी, अज पट्टी लिखी। एक एक अखर की संदेश दे रहा है, की उपदेश दे रहा है, किस पासे दा इशारा कर रहा है और किधर दा संकेत दे रहा है। सस्से सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। सस्सा ऐ पांधा जी ये उपदेश कर रहा है कि सारी सृष्टि उस प्रभु ने साजी है, और जो सेवा दिच जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके सिमरन दिच जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके जो सेवा दिच जुट गए, संसार ते आया उन्हां दा सफल होया,
की पड़िया उसने सस्सा, जिसने सेवा ना की थी, सिमरन ना कीता। पांधा जी, एक एक अखर प्रेरदा पे है, एक एक अखर किसे दिशा दी तरफ संकेत करदा है। ये पांधा बिस्माद होया है, अश्चर्यता दी दुनिया च खो गया। ये छोटा जिया बालक इतनी अगम्मी गल, इतनी अथाह गल, इतनी बुलंद गल। एक हाथ नाल गुरु नानक दी बांह पकड़ ली, दूजे हाथ नाल गुरु नानक दे चरणा नु छोया है। बालक नानक कहिंदे ने, पांधा जी तुसी मेरे पैर छूंदे हो। हां, इस वास्ते छूंदे हां कि पैर प्रभु दे मार्ग ते ने। ये हाथ मैं इस वास्ते पकड़े है, इना हाथां विच प्रभु दा दामन है, प्रभु दा पल्ला है। बां पकड़ के ये पांधा पिता कल्याण दास पास ले गया, ते कालू जी समझ गए। पांधा जी, थोड़ा चेहरा दसदा पे कि गुरु नानक थोड़े कोल भी पढ़ नहीं सके, जैसे कि मौलवी कोल नहीं पढ़ सके। मौलवी भी गिला ही करन आया सी, तुसी भी गिला ही करन आए होगे। नहीं, मैं गिला करन नहीं आया, मैं ते पटवारी जी ए दसन आया कि गुरु नानक कोलो पढ़ लेना चाहिदा है। ये पढ़न लई नहीं आया, ये जगत नू पढ़ाण लई आया है। मैं ते थोड़े जिया बोलां देची आज बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है। और पिता कल्याण दास नू संबोधन करदे आया पांधा कहिंदा है, मैं ते आज पढ़ा लिखा बनया, नहीं ते मैं इतनी जिंदगी अनपढ़ता दिच बिचीत कर दिती। आज मैनू दस्या है बालक नानक ने कि एक एक अखर किस दिशा दी तरफ संकेत करदा है। आज पता चलिया कि सस्सा पढ़िया होया उस मनुख दा बेमैनी है, जिन्हें सिमरन नहीं कीता, जिन्हें सेवा नहीं कीती, जिसका चित प्रभु देच जो है नहीं जुड़िया। एक एक अखर शुभ गुणा दी तरफ प्रेरदा है, एक एक अखर प्रभु दे मार्ग दी तरफ जो है प्रेरदा है। साहिब गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठन नाल ओ थां इबादतगाह बन जाती है, धर्म मंदिर बन जाती है। ये ठीक ही आख्या गया, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। आप घर दिज खेड़दे सन, घर मंदिर बन गया सी। आप बच्चियां नाल खेड़दे सन, तो खेड़न दा स्थान मंदिर बन गया। आपने पांधे कोल विद्यालय दिच शिक्षा प्राप्ति दी थां ते जद शिक्षा दित्ती, तो विद्यालय भी मंदिर बन गया, धार्मिक मंदिर बन गया, प्रभु दा मंदिर बन गया। दरअसल गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठन नाल ही धर्म मंदिर उसर जांदा है, धर्म दी चर्चा होंदी है, धर्म दा आदान प्रदान होंदा है, और धार्मिक गुण दूजियां दे अंदर उजागर हो जांदे ने। वास्तविक आप चलदे फिरदे धार्मिक मंदिर सन। पर पिता निराश होए, क्योंकि प्यो दे अंदर एक मोह भी आंदा है, ममता भी आंदी है, और पिता बच्चे प्रति ये चिंता भी रखता है कि उसका भविष्य उज्जवल होवे, उसका भविष्य महान होवे। ये ठीक है कि संत भावे पूजे जांदे रहने सड़े देश दे, धार्मिक बंदियां दा सत्कार रहा है, लेकिन दिलों कतई मनुख ने ऐसा नहीं चाहा कि मेरे घर कोई संत पैदा होवे, कोई भगत पैदा होवे। उसका एक कारण भी सी कि इतने भेखधारी संत होए, और उना कारण इतने बच्चे रुले, इतनिया स्त्रियां दे सुहाग रुले, और इतने मां बाप दी ममता कुचली गई कि पुत्र संत होवे, ये मां बाप दी चाहत ही ना रही, ये पत्नी दी इच्छा ही ना रही। लेकिन जगत गुरु बाबा एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष,
आम जगत दी तरह पिता कल्याण दास भी दुखी ने, माता तृप्ता जी भी दुखी ने। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। बालक गुरु नानक देव जी ने हुन जैनवानी दी दहलीज ते कदम रखे। पिता नू दो चिंतावां असवार होईयन, एक कम कार दी, एक व्याह दी। पढ़न तो गुरु नानक देव जी महाराज नू असमर्थ समझ के पिता कल्याण दास ने फैसला कीता, कोई कम धंधा देईए। चलो जितने तक कम धंधे बारे सोचते हैं ये घर दा ही कम कर लवे। मझां सन घर विच बांस दा सोटा गुरु नानक देव जी महाराज नू पकड़ाया और आख्या, नानक जी ये मझां ही चार लिया करो। लै गए ने गुरु नानक देव जी महाराज मझां नू, प्यार नाल लै गए ने, प्यार नाल चला रहे ने, सोटे नाल नहीं हाकदे, सोटा नहीं मारदे। रुख दी छां थले बैठे ने हरी हरी बनस्पति और आसमान दे बदल प्राकृतिक स्वप्न नू वेख के आप दैवी सुंदरता दिच खो गए, प्रभु दे स्वप्न दिच लीन हो गए, समाधि लीन होए। होया कि मझां घा चर गईयां और कुछ जमींदारां दी खेती भी चर गईयां, और जद खेत दे मालका ने पिता कल्याण दास पास आके फरियाद की थी कि कैसा थोड़ा बालक है, आप ते किसे अगम्मी तो नीच लीन हो जांदा है, मझां दी देख रेख नहीं करदा और मझां साडी खेती बर्बाद कर गईयां ने, उजाड़ गईयां ने। ते जद पिता कल्याण दास जी ने देखिया पढ़ भी ना सकिया, इता घर दा कम भी करन तो असमर्थ है, नानक नू गिला कीता, जमींदारां दी जमीन उजड़ी है, खेती खा लई है मझां ने, तुसी देखिया नहीं। साहिब कहन लगे, वास्तविक जो इन्हां दी खेती सी वो कोई भी नहीं खा सकदा। मनुख खुद सोचे, हर एक दी प्रालवत दी अपनी अपनी खेती है, कतई दूसरा नहीं खा सकदा, कतई तीसरा नहीं खा सकदा। इस बैरूनी घटना तो अध्यात्मक ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज शिकायत करन वालियां नू देन लगे, अपने पिता नू देन लगे, दोहां दी समझ दिच गल नहीं आई। आदकाल तो ऐसा हुंदा रहा है, और ए भी स्याणे कहिंदे ने कि अवतारी पुरशां तो उनां दे मां बाप ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि ममता दी दृष्टि नाल वेखदे ने। श्रीका ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि बराबरी दी दृष्टि नाल देखदे ने। लंगोटी यारा ने कदी अध्यात्मक ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वह भी बराबर दा हिस्सा समझदे ने। और दुश्मना ने भी कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि उन दे अंदर ते वैर होंदा है, बदले दी भावना होंदी है। यही कारण है कि बेदी ताने मारदे रहे पिता कल्याण दास नू, शरीक औखे होंदे रहे, और लंगोटिए यार भी कहन नानक नू की हो गया। इदी अखां हर वक्त नशाइयां रहिंदियां ने, इदा चेहरा हर वक्त इस जगत तो उखड़िया उखड़िया लगदा है, इस दे कदम किसे होर पासे ही गतिमान दिखाई देंदे ने। दुख तो के पिता कल्याण दास ने अज 20 रुपए हथेली ते रखे, आखिया पुत्र नानक
मज्जा तो नहीं चार सकया, मौलवी कोल तो नहीं पढ़ सकया, पांदे कोल तो नहीं पढ़ सकया। हुण तू कोई कम धंधा करे हैं ते फिर मैं तेरा घर वसावा, फिर मैं तेरा व्याह करा। हथेली ते रख के पिता कल्याण दास ने कहा, इना 20 रुपया नू 40 रुपया च बदलना। बाले नू नाल तोर के नौजवान गुरु नानक व्यापार लई चल पए ने। अज वाकई ऐसा व्यापारी जा रहे है व्यापार करन वास्ते जिदी दृष्टि विच व्यापार करन दी वस्तु सच है। सच नू विहाजना, सच नू खटना, सच नू देना, सच नू लेना। चलदियां चलदियां की देखिया है, रस्ते च कोई 15-20 साधु 3 दिन दे भुखे बैठे ने। संतोख करके ते त्रिपत सन, पर पेट करके भुखे सन। अध्यात्मक गुणा करके ते मन रजिया होया सी, पर भोजन न मिलन करके तन भुखा सी। बैठे गुरु नानक उना दे कोल, रबी चर्चा होई, रबी वार्तालाप होई। भोजन संबंधी जद गुरु नानक देव जी महाराज ने पुछया, ता उना साधुआं दा जो मुखी सी संत रेण कहन लगा, बालक भोजन ते अज 3 दिन हो गए, जैसे प्रभु दी इच्छा। एकदम बाले नू पैसे पकड़ाए, घ्यो मंगाया, आटा मंगवाया, सब सीधा मंगा के स्वादिष्ट भोजन तैयार होया। और अज बाबा जी धन गुरु नानक देव जी आप लंगर वंडन लगे ने। साधुआं दी पंगत वंडन वाले गुरु नानक रज रज के भोजन छकया है साधुआं ने 3 दिन दे भुखे। बाद दे जो बचे है वो आप पान कीता है, पर वी दमड़े ते खर्च हो गए सन। जो थोड़े बचे वो साधुआं नू उंज भेट कर दिते। खाली हथ वापस आ रहे ने। हिरदे दी झोली परोपकार दे गुणा नाल भर गई, प्रभु दी बख्शिश नाल भर गई, पर हथों भी रुपए चले गए। बाला भी उदास है कि पिता कल्याण दास गुस्से होणगे, औखे होणगे। मनुख धन दी हानि बर्दाश्त कर नहीं सकता, और धन दी वड्डी हानि दिमागी संतुलन भी डावाडोल कर देंदी है। बार आप खूते बैठे, बाला जी गए ने घर। जद पटवारी जी नू दसिया कि पुत्र नानक थोड़े बार खूते बैठे ने, पर वो 20 रुपए लुटा आए ने, साधुआं नू खिला आए ने। तप गया हिरदा पटवारी जी दा, अपने आप नू संभाल नहीं सके। गुस्से दे जद चले घरों, तो भैन नानकी भी पिछे चल पई भी बापू तपे हुए जा रहे ने, गुस्से जा रहे ने। सारी वार्ता भैन नानकी ने सुन ली सी, और जद कोल जाके पुछया 20 रुपए किथे ने, पिता जी तुसी व्यापार लई कया सी, सौदे लई कया सी। मैं सौदा कीता है, मैं व्यापार कीता है, पर सच्चा सौदा कीता है, सच्चा व्यापार कीता है। खिच के 2 थप्पड़ मारे, नानकी ने रोके ने हथ। जिथे सच्चा सौदा कीता
बरकतां भरिया अस्थान सच्चा सौदा अज भी उत्थे बने होया है, और उत्थे सच दा सौदा अज भी होंदा है। ए अस्थान भी शेखोपुर तो थोड़ी जिया दूरी थे पाकिस्तान विच रह गया, लेकिन सच दा सौदा अज भी उत्थे होंदा है। नानकी ते नानक दे जिथे नामां दी सांझ सी उत्थे आत्मा दी भी बड़ी गहरी सांझ सी, या इंज कह लो नानक नू समझे आई नानकी ने। नानकी ने हमेशा एक रहबरी पुरुष दी तरह नानक जी नू वेख्या, पिरा ते सन ममता ते सी, पर जद गौर नाल वेखदी सी गुरु नानक नू तो जो रूहानी दौलत मिलदी सी, रूहानी छबी अंदर प्रगट आउंदी सी, उस तो ओ वीर नानक नू अंदरों ही अंदरों गुरु नानक तस्लीम कर बैठी, रब्बी नूर रब्बी नानक तस्लीम कर बैठी। पिता नू ठंडा करके आखिर समझाया किसे होर कम धंधे विच नानक जी नू पांदे आ। नानकी जी दे पति जय राम उन्होंने आखिर सुल्तानपुर विच बुला भेजे। सुल्तानपुर दे नवाब दे मोदी खाने दी मुलाजमत प्राप्त हुई। इत्थे भी आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटदी सी जिस दे नाल लोकी कारिन दे नवाब दे कन भर दे सन। एक दिन ते अजीबो गरीब घटना घट गई। आप करिंदिया नू नवाब दे सिपाहियां नू अन्न तोल के दे रहे सन। 15 धड़ी अनाज देना सी किसे नू, 1, 2, 3, 4 इस तरह गिण दे गए अनाज दें दे गए, और जद आए 11, 12, 13 तो 13 ते रुक गए, फिर तोल दे ही गए 13, 13, 13। 13 भावें एक हिंसा है, गणत है, पर इसने वाकई तेरे नाल ही जोड़ दिता, प्रभु नाल जोड़ दिता। धंधा भी गुरु नानक दा धर्म सी, और धंधा भी धर्म दी रुचियां नू जकड़ नहीं सकया। धंधे दे च भी गुरु नानक देव जी महाराज ने धर्म नू जोड़ दिता। इत्थे ही एक होर अजीबो गरीब घटना घटी। आप अपने एक चाकर दे नाल मुसाहिब दे नाल वही नदी ते आए, रोज आउंदे सन, इशनान करदे सन, तर्त ते बैठ के भजन करदे सन, पर अज अलोप हो गए। टोलन लगे सारे, लभण लगे सारे, नवाब ने मछुआरे बुलाए, जाल पाया गया वही नदी च कितरे गुरु नानक डुबना गए। उन सारे ने यही सोचा डुब गए ने किधरे। एक कोई भैन नानकी अपनी थां ते दृढ़ रही, नहीं जो जगत नू तारण ले आया है वो पानी दिश डुब जाए मन नहीं मनदा, वो नहीं डुबे। आखिर 3 दिनों तो बाद प्रगट होए, जैसे मिराज ते जाके मोहम्मद साहब नू अलहाम होया, जैसे कोहतूर ते जाके मूसा नू अलहाम होया है, जैसे जॉर्डन नदी दे तट ते बैठ के हजरत ईसा दे मन विच रब्बी ज्ञान फुटिया सी, जैसे गया विच बोर्ड दे वृक्ष दे थल्ले बैठ के महात्मा बुद्ध अगम्मी दुनिया विच खो गए, इस तरह वही नदी तो बाहर निकल के साहिबां दे मुखारबिंद तो जड़े बोल निकले उसी एक एक
एक ओवंकार। ये पहला ब्रह्म नाद सी जो गुरु नानक दे कंठ तो प्रगट होया। ये पहला उद्घोष सी जो जगत दे सामने गुरु नानक ने रखया। ये पहली ब्रह्म विचार सी, ये पहली ब्रह्म बाणी सी जिसने गुरु नानक दी रसना नु छोया और गुरु नानक दी रसना तो प्रगट होई। नवाब ने भी ये बोल सुने, एक नानक जी अगर एक ही है, वाकई कोई भेद नहीं, दो तीन चार नहीं, राम ते अल्लाह दे च कोई भेद नहीं, सब एक ही है, तो चलो साडे नाल मस्जिद दे च अज जुम्मा है, जुम्मे दी नमाज पढ़ो। नानक जी ने इनकार नहीं कीता, चलो पढ़ दे। हिंदू जगत विच सुल्तानपुर विच हैरानगी छा गई, गुरु नानक मस्जिद दी तरफ। दरअसल मंदिर ते मस्जिद दी इतनी दूरी है, उसे कारण करके हिंदू ते मुस्लिम दी दूरी है। कोई मंदिर अगर मंदिर तो दूर होवेगा तो उस मंदिर विच जाण वाले मनुखता तो दूर होणगे। मंदिर ते मस्जिद दी दूरी दस रही सी हिंदू ते मुस्लिम दी कितनी दूरी है, विचकार कितना पाड़ा है। साहब चले गए, कतार विच सारे नमाजी खड़े ने, नमाज नवाब भी पढ़ रहे है, इमाम पढ़ा रहे है, पर गुरु नानक खड़े रहे। नमाज तो फारग होके नवाब ने गिला कीता है, तुसी नमाज ते ना पढ़ी, तुसी कहंदे सी सब एक है, सब एक है। तो साहब कहन लगे, किस दे नाल नमाज पढ़दे, तुसी ते काबल दे घोड़े खरीद रहे सी, ते घोड़े खरीदन वालियां दे नाल मैं नमाज पढ़ा, कोई नमाजी होवे ते नमाज पढ़ा, सब अपने अपने धंधे च लीन सन। तुसी काबल दे घोड़े खरीद रहे सी के नहीं, तस्लीम कीता। उस नवाब ने हां, नमाज पढ़दे आया मेरे अंदर फुरने यही सन, विचार यही सन, तो घोड़े खरीदन वालियां दे नाल मैं किस तरह नमाज पढ़ा। वही नदी दे तट ते आए ने, इत्थे ही जपजी साहब दियां कुछ अगम्मी पौड़ियां आपदे कंठ तो निकलियां ने, इत्थे ही कुछ ब्रह्मनाद प्रगट होए ने। यादगारी रूप दिच गुरुद्वारा बेर साहब बड़ी शानो शौकत दे नाल वही नदी दे कंडे ते बने होया है, और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां अगम्मी साखियां सुना रहे है। सहजे सहजे आखिर अवस्था इत्थे तक पहुंची के भैनोई जय राम ने एक बच्ची देखी, मूले चौने खत्री दी लड़की सुलखनी, पक्खू के रंधावे बटाला देच, रिश्ता पक्का हो गया। बरात चली, तृप्ता दीदी पाछा खिल गईया, पिता कालू दी भी कुछ उम्मीद बर आई, शायद गृहस्थी बनन तो बाद, बाल बच्चे दार होने तो बाद एक घर दियां जिम्मेवारियां संभाले, और उपरामता शायद एक पासे होवे, शायद ए दुनियादार बने, जो सारी दुनिया नू दीनदार बनान लई आया है। पिता सोचदा है किवें ए दुनियादार बने। बरात चली, पर बरात दे च बरातियां दी थां ते कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई जंगम, कोई भगत, कोई प्रभु दे गीत गांदे जा रहे है, कोई प्रभु दा जाप जपदा होया जा रहे है, कोई अल्लाह अल्लाह दी धुनी। इस तरह दी बरात रूहे जमीन ते पहली दफा जा रही सी, और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी इस रूप दे च लाड़े दे रूप च पहली दफा जा रहे है सी।
बटाले जत पहुंची ए बरात, मूले चौणे खत्री ने जत साधु बराती देखे, भगत बराती देखे, जोगी बराती देखे, विहंगम बराती देखे, चिढ़ गया और सोचदा मैं अपनी बच्ची दा भविष्य खराब कर लिया। मुंडा ते कोई साधु जापदा है, इते कोई त्यागी बैरागी जापदा है, इदे पल्ले मैं अपनी बच्ची बन दिती। डठी एक कलरी कंध दे थल्ले गुरु नानक दी मंजी डवाई, उत्थे बिठाया और ओ कंध बस हुणे गिरी के हुणे गिरी इस तरह सी, और मन दे च भाव भी उस मूले खतरी दे किसे कुल धक्का एक मरवावांगे, कंध गिर जाए, गुरु नानक दा अंत हो जाए, ताकि मेरी बच्ची एक साधु दे लड़ लगन तो बच जाए। एक रहम दिल बीबी लंगी, उन्हें आख्या बालक एक पासे हो जा, एक कंध डिगण वाली है। साहबां दे मुखारबिंद तो निकलिया नहीं, एक कंध रहिंदी दुनिया तक साडे व्याह दी निशानी रहेगी, अज भी खड़ी है। गुरुद्वारा कंध साहब बड़ा अजीमल शान बाबे बटाले च खड़ा है, और कंध भी उसे तरीके नाल खड़ी है, उन्हों भावें शीशे जकड़िया गया है, व्याह दियां कहानियां पा रही है, व्याह दियां दास्ताना पा रही है। समा पा के आप दियां दो संताना होईयां, बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास, एक बिल्कुल उपराम बिरती दे मालिक बाबा श्री चंद, एक राजयोगी। साहिबा ने हुण चार उदासियां धारण कीतियां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्कम, जैसे चार कुंट ने तो चारा ही कुंटा नु चुनिया। आप तीर्थां ते गए, खानकाहां दे च गए, डाकुआं कोल गए, योगियां कोल गए, हाजियां कोल गए, राजियां महाराजियां कोल गए। जिथे जिथे भी आपने सोचिया इथे लोड़ है, इथे लोड़ है, इथे धरती ज्यादा तपी हुई है, आप पहुंचे उस बदल दी तरह जो बरखा करदा होया लंघ रहा हुंदा है। रजब जी ने ठीक कहा, नदी संत अर मेघला चले भयंगम चाल, रजब जय जय पग धर तैं तैं करत निहाल। वाकई ते बदल दी तरह बरस दे जांदे ने, और जिथों लंघ गए निहाल कर दे जांदे ने, सब्जाजार छोड़ जांदे ने। आपने बनारस दे परहोतां नूं राजयोग दा मार्ग दसिया, आपने हरिद्वार दे पांदियां नूं वहम तोमात ते कर्म कांड दे जाल तों उच्चा उठण दा उपदेश दिता, और आखिया ब्रह्म चिंतन करके ही कोई ब्राह्मण होंदा है, फोके कर्म कांड करके नहीं। ऐसे कर्म जो सिर दा बोझ बन जान, सुरत नूं गतिमान ना करन, गुरु नानक ने त्यागण बारे दस दिता। जैसे के कोई सूरज नूं पानी देंदा है, कोई पितरां नूं पानी देंदा है, गुरु नानक दूसरी तरफ खड़े होके पानी देन लगे ने, सारे हस पे, सारे कहन लगे सूरज ते इधर चढ़िया है, तुसी मुखालफ सिमत दे च पानी दे रहे हो। साहिब कहन लगे की करा, मेरे खेत इधर ने, इस वास्ते मैं पानी दे रहा, थोड़े खेतां तक किस तरह पानी पहुंचेगा, जिवें थोड़े पितरां तक पहुंचेगा। ज्ञान करा दिता, सूझ करा दिती, समझ कराई, कौड़े राक्षस दा उदार कीता। सज्जन ठग नू कहा, सज्जना सज्जन बन के ठगी ना कर, ठग बन के ठगी कर। मक्के दे हाजियां नू संदेश दिता, खुदा व्यापक है, ते जद व्यापक है तो काफर कहना किसे नू बनदा नहीं। सब खुदा दी खलकत है, और सारा संसार खुदा दा घर है। दृष्टि मार के वेखो,
सिर्फ मक्का ही खुदा दा घर नहीं, सारा संसार खुदा दा घर है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। इति सारे दा सारा संसार सच दी कोठड़ी है। इस तरह हर पासे उपदेश देंदे हुए, संदेश देंदे हुए आपने करतारपुर वसाया। आप दा भ्रमण गालबन 42,000 मील दा है और ये सारी यात्रा पैदल है। अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, तमाम अरब देश, लंका, बर्मा, भूटान, तिब्बत, नेपाल और कुछ चीन दा इलाका, तमाम देशां देच गुरु नानक देव जी महाराज दे यादगारी स्थान मौजूद ने। जिन्हें सूरज दी कोई सीमा नहीं, वह सारी पृथ्वी नूं चानना देंदा है। इस तरह गुरु नानक दी रोशनी सीमा बद्ध नहीं सी, सांझे सन, सारियां दे सन। तदी ते मुसलमाना ने वली अल्लाह आख्या, तदी ते हिंदुआ ने गुरु नानक देव आख्या। अज ओ वक्त भी आ गया, जो आया सो चल सी, रुखसत होण लगे। करतारपुर दी घटना जगत दी झोली दे आत्मक संदेश पाके, जगत दे जीवानू प्रभु नाल जोड़ के, आप जोत करके लहणे दे लीन होए, शरीर करके तत्तां दे लीन होए। लेकिन मूर्ख लोगां ने फिर भी एक बखेड़ा खड़ा कीता है। मुस्लिम कहन लगे वली अल्लाह सन, असी दफन करना है। हिंदू कहन लगे ए गुरु नानक सन, असी दाह संस्कार करना है। इना दे माता पिता हिंदू सन, ए हिंदू सन, तो झगड़ा खड़ा हो गया। आखिर फैसला इंज होया, चद्दर दे दो टुकड़े होए, एक ने कबर बनाई, एक ने मड़ी बनाई। रात नू रावी दा पानी चढ़ के आया, कबर भी बह गई, मड़ी भी बह गई। भाई संतोख सिंह जी ने ठीक लिखे है, बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सतसंगत और निस्दिन बसबो मैं करूं। गुरु नानक मड़ी दे च नहीं है, गुरु नानक कबरां दे च नहीं है, उनु संगत दे च लबो, शब्द दे च लबो, गुरु अंगद देव जी दे हिरदे च लबो। वो ते एक व्यापक नूर, वो ते एक परम चानना, मड़ी च लब दे। जो मड़ी च पै जाए उदी ते फिर कुछ औकात नहीं। जो कबर दे च दफन हो जाए, वो ते वाकई दफन होण जो गई सी नहीं, उस दे नूर नू कोई दफन नहीं कर सकदा, वो दे नूर नू कोई जला नहीं सकदा। वो ते व्यापक नूर, वो ते एक व्यापक जलवा सी, उत एक ऐसी शमा जो घर घर दिच जली, हर हिरदे जो है जली। मूर्ख लोगां ने जिस थां ते गुरु नानक दी चद्दर दे दो टुकड़े कीते, देश दे भी दो टुकड़े उत्थों ही होए। समूह जिंदगी गुरु नानक जोड़दे रहे, मूर्ख गुरु नानक दे सिद्धांत नू तोड़दे रहे। जोड़न दी गल करदे रहे, घर दिच रह के जोड़न दी गल करदे रहे, व्यापार करके जोड़न दी गल करदे रहे, खेती बाड़ी करके जोड़न दी गल करदे रहे। इस वास्ते आप राज योगी कव कल सो जस गाओ, गुरु नानक राज जोग जिन माणिया। भट्टा ने भी कह दिता, ऐसा जगत दे चक जोगी आया है जो राज योगी है, संसार तो टुटिया नहीं, निरंकार नाल जुड़िया रहा है, परिवार दे विच रहा है, करतार दे नाल बैठा रहा है, व्यापार भी करदा रहा है, पर किरदार भी उच्चा रखे। और जो पत्नी, मां बाप, बच्चियां नूं खुश रखदा रहे, वो प्रभु दी खुशी भी लेंदा रहे, प्रभु दी खुशी भी लेंदा रहे, जगत दी झोली दे च खुशियां वंडदा रहे। इस तरह दा एक रहबरी पुरश जो शब्दां दे राहीं, अपनी बाणी दे राहीं जगत नूं एक जोत दे गया, एक अजीम चानना दे गया, एक व्यापक रोशनी दे गया है। उस रोशनी तो हर बशर अज भी लाभ उठा रहा है
और कई